जहाँ तक मुझे पता है मैम, 30 साल से मैं बंगाल में रह रहा हूँ, आज तक हमने कभी इस तरह से नहीं देखा इलेक्शन में कि एक तरह से समुदाय के ऊपर में जो अटैक हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। रैपिस्ट को, एक करप्टेड को आप यदि टिकट देकर MP या MLA बना रहे हो तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नमस्कार, आदाब, मैं अतिका शहीद हिंद वॉइस में आपका स्वागत करती हूँ। अभी हम खड़े हैं पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन के बाहर। जैसा कि आपको पता है, कल कोचबिहार हमले में 4 लोग मारे गए। CISF के जवानों ने जब फायरिंग की तब 4 नौजवानों ने अपनी जान गंवा दी। PM नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी से ये बयान पेश किया और ममता बनर्जी पे सीधा निशाना ताना और कहा कि दीदी के गूंज के ऐसे हरकतें थी कि CISF के जवानों को फायरिंग करनी पड़ गई। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है, CISF के जवान तो आते हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर में, तो क्या ये ऑर्डर होम मिनिस्ट्री की तरफ से था? ममता बनर्जी ने भी सीधा निशाना तानते हुए PM मोदी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने सवाल किया, कौन थे वो लोग जिन्होंने CISF के जवानों पे पहले हमला किया? कौन है इस बात का आंसरेबल? ममता बनर्जी ने ये सवाल करते हुए कहा कि सिलीगुड़ी में बैठकर बयान देने से नहीं होगा, उनको यहाँ आकर जिन परिवारों ने अपने लोग खोए हैं उनसे मिलना चाहिए, उनको संवेदना देना चाहिए। लेकिन PM नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि उनके पास 3 हेलीकॉप्टर थे और सारी फैसिलिटीज़ थी यहाँ आने की, लेकिन उसके बाद वो कोचबिहार नहीं आ पाए। कस्बा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के BJP के कैंडिडेट डॉक्टर इंद्रानील खां को सामना करना पड़ा हैकल का। कल जब वो बूथ में पहुंचे तो बूथ के पास में लोगों ने उनको घेर लिया और हैकल किया। सर, जैसा कि आपको पता है, कोचबिहार में एक हिंसा हुई है कल, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हिंसा हुआ है वो अगर गलत तरीके से कोई इस्तेमाल करेगा उसमें पुलिस गोली चलाए तो कोई हर्ज नहीं है। पुलिस का भी यही बयान, मतलब CISF के जवानों ने ये कहा कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने, सेल्फ डिफेंस में हुआ तो ठीक है। कल न्यूज़पेपर में छपा था, लखनऊ में जो कुलदीप सिंह सेंगार है, जो रेपिस्ट है, मतलब एक रेप कर चुके वो 17 साल की लड़की का, उनकी पत्नी को BJP ने एक टिकट दिया, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये गलत है, उसको तो देना नहीं चाहिए। कोचबिहार में जो हिंसा हुई इसमें किसका हाथ हो सकता है? मैम, एक्चुअली जो हमने जो वहाँ पे जो मेरे को पता जो चला है, इसमें मुझे पता चला है कि 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं। तो TMC वाले बोल रहे हैं कि मेरे पार्टी के वो थे, और कांग्रेस BJP वाले बोल रहे हैं कि मेरे पार्टी के थे। तो ये जो भी है मैम, ये एज यदि एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से सोचा जाए ये गलत हुआ है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मैम, 30 साल से मैं बंगाल में रह रहा हूँ, आज तक हमने कभी इस तरह से नहीं देखा इलेक्शन में कि एक तरह से समुदाय के ऊपर में जो अटैक हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। चाहे जिस पार्टी से भी हो रहा है, चाहे BJP से हो रहे हो या TMC से हो रहे हो, ये गलत है। क्योंकि एक आम इंसान अपनी लाइफ के लिए कितना सेक्रीफाइस करता है, और एक मतलब एक इलेक्शन की वजह से वहाँ पे किस तरह से, अब मुझे नहीं पता है कि CRPF वाले वहाँ पे जो रोल था वहाँ पे, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था वहाँ पे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो वहाँ पे डेथ हुई है ये गलत है, इसको कभी भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, CISF जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मतलब हमारे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, तो उनके ऑर्डर के बिना फायरिंग नहीं हो सकती, तो आपको लगता है कि? मैम, इसका तो आइडिया मुझे नहीं है। यदि ऐसा तो कुछ पहले ही बता दिया गया था कि मतलब अगर जो हमारे इलेक्शन के जो वहाँ पे वोटिंग हो रही है, 100 मीटर्स के अंदर में 144 थी वहाँ पे, और उन्हें गोली के लिए, गोली मारने के लिए उन्हें पहले ही इलेक्शन से पहले ही दिया गया डिस्काउंट कि आप वहाँ पे छूट है कि आप गोली चला सकते हो। तो CRPF बता रहे हैं कि उनसे बंदूक छीन ली, मतलब उनके हथियार छीना जा रहा था, तो अपने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उन्होंने गोली चलाई थी, उसमें 4 लोग मारे गए थे, और गोली चलाने का मतलब उनको पहले मिल चुकी थी। यदि आपके ऊपर कोई अटैक हो तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में आप गोली चला सकते हो, ऐसा तो इलेक्शन होने से पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। जो भी था, एक चीज़ मैं स्पष्ट क्लियर कहना चाहता हूँ, जो भी है, बट जो 4 डेथ हुई है मैम, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। आज उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा उनको। हाँ जी, पॉलिटिशियंस जो है अपने फायदे, जो भी वोटिंग जीतते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उनको तो मिल रहा है, लेकिन जो हम जो आम पब्लिक है जिनको वोटिंग, हाँ, आम पब्लिक की भी मिस्टेक है, जहाँ पे वोटिंग हो रहा है वोट दे दो, वहाँ से निकल आओ, वहाँ पे हमें किसी से बात करना या फिर एक मीटिंग जैसा अटेंड करने की क्या ज़रूरत है? हमारा काम है वोट देना, हम वोट देते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। तो कुछ पब्लिक मिस्टेक कर रही है कि वोट देने के बाद भी वहाँ रुकना, वहाँ एक भीड़ इकट्ठा करना, ऊपर से अभी के टाइम में कोरोना भी फैल रहा है, इस सबको इग्नोर करते हुए पब्लिक कुछ ढीलापन दे रही है, बट
अभी जो ये हादसा हुआ है कुछ बिहार में, ये बहुत बुरा हुआ है। कहीं पूरे भारत में देख लो किसी स्टेट में ऐसा नहीं होता है इलेक्शन के टाइम में। अच्छा, कल के अखबार में ये छपा था, जैसे आपको पता होगा लखनऊ में जो उन्नाव एक शहर है वहाँ एक रेप केस हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। तो जो वहाँ के रेपिस्ट थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनकी पत्नी को बीजेपी ने एक टिकट दिया, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैम, ये तो पॉलिटिक्स में एक्चुअली हम लोग का उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जितना भी आइडिया है, जितना मैं जानता हूँ, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, एक एक सीधा सा मेरा स्टेट गवर्नमेंट से मेरी एक ही अपील है कि यदि आप ये सोचते हो कि हम आज सेंट्रल में बैठे हुए हैं और अपोनेंट वाले यदि आज रेपिस्ट हैं, चाहे वो करप्टेड है, आप वो एंटी सपोर्टर पार्टी को यदि कोई MLA MP का टिकट मिलता है तो आप उनके ऊपर ऑब्जेक्शन करते हो। बट आपको ये खुद देखना चाहिए था कि आपके पार्टी और आपके MP या MLA आप किसको टिकट दे रहे हो, एक रेपिस्ट को दे रहे हो, एक करप्टेड को दे रहे हो, ये चीज़ तो गलत है मैम। नहीं, ये बोल रहा हूँ कि यदि एक MP चाहे वहाँ से हो चाहे CM, ये तो योगी आदित्यनाथ ने उनको टिकट दिया होगा ना। जी हाँ। तो ये चीज़ तो गलत है ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ। अच्छा, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को। हाँ, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, यूपी वाले। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक रेपिस्ट को, एक करप्टेड को आप यदि टिकट दे के MP या MLA बना रहे हो तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो खुद एक रेपिस्ट हो, खुद एक करप्टेड हो। आपने वोट दे दिया है? हाँ जी, दे दिया है। अच्छा, इस बार का बंगाल इलेक्शन तो थोड़ा भारी है ऐसे। हाँ जी, अभी 4 चरणों में हो चुका है बंगाल में, अभी और भी 4 चरण बाकी है। तो जहाँ आपने वोटिंग दिया था वहाँ के CRPF जवान और पुलिस का कैसा कॉपरेशन था? अच्छा सर, मैं नॉर्थ हावड़ा से बिलोंग करता हूँ। नॉर्थ हावड़ा में हम लोगों का इलेक्शन जो हम लोग का जो जहाँ पे हुआ था शांतिपूर्ण हुआ था, वहाँ पे कोई झमेला नहीं हुआ था। ऐसा कुछ पब्लिक का इंटेंशन भी नहीं था कि वहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ, मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। CRPF वाले हो चाहे वेस्ट बंगाल पुलिस हो, बहुत अच्छे से हम लोग का वहाँ पे इलेक्शन कंप्लीट हुआ। वहाँ पे क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अखिलेश झा हुआ। धन्यवाद अखिलेश झा जी। जैसे कि आपने सर से सुना कि बंगाल के कुछ चरणों में जहाँ इलेक्शन हुए वहाँ CRPF के जवान और पुलिस ने काफ़ी अच्छे तरीके से कोऑपरेशन की। अगर देखा जाए तो कस्बा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अच्छे तरीके से वोटिंग प्रोसेस को निभाया गया। तो देखते रहिए हिंद वॉइस, मैं आतिका सईद आपके साथ जुड़ी रहूँगी।